नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के उपरांत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्रों की सकुशल वापसी के लिए प्रयासों की नवीनतम स्थिति बारे सदन में वक्तव्य दिया। अध्यक्ष महोदय, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापिस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा तेजी से चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बीते 24 घंटे में कई उड़ानें भारत आई हैं और अगले 24 घंटे में और अधिक उड़ानें निर्धारित की गई हैं। अगले 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय वापिस लाए जाएंगे। उड़ानों की बढ़ती संख्या दर्शाती है कि बड़ी संख्या में भारतीय यूक्रेन से निकल आए हैं और वर्तमान में पड़ोसी देशों में हैं। उन्हें वहां से कमर्शियल व भारतीय वायुसेना के विमान वापिस लाने में लगे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 309 छात्र सकुशल वापिस आ चुके हैं और 149 छात्र अभी भी यूक्रेन में हैं या पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं। प्रदेश सरकार पूर्ण संवेदनशीलता से उनसे व उनके परिवार जनों से लगातार संपर्क में है। उनकी वापसी के लिए जहां विदेश मंत्रालय के सहयोग से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, वहीं दिल्ली मुंबई पहुंचने पर उन्हें अपने घर तक भेजने के लिए व्यवस्था की जा रही है। यूक्रेन के पूर्वी भाग में खार्किव और सुमी में अभी भी भारतीय फंसे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, जिनमें प्रदेश के छात्र भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के परामर्श के अनुसार कुछ छात्र खार्किव से निकलकर निर्धारित स्थानों पर पहुंचने में सफल रहे हैं। संतोषजनक बात यह है कि अब खार्किव से भी छात्रों की वापसी शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि वहां फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए जो रास्ता सुविधाजनक होगा उसी का प्रयोग कर उन्हें निकाला जाएगा। इस संकट काल में प्रदेश सरकार वहां फंसे प्रदेश के छात्रों के परिवारों के साथ खड़ी है और मैं उनकी शीघ्र वापसी की कामना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत तेजी से ये प्रयास आगे बढ़ा है, लेकिन ये भी बात सच है कि हालात अच्छे नहीं है और खास तौर से जो जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में जो हमले हुए हैं उसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है वहाँ पर यूक्रेन में, और उसमें बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा संतोष का विषय है कि भारत के सिर्फ एक जो बच्चा जो कर्नाटका से था मेडिकल की शिक्षा के लिए, उनकी दुखद मृत्यु वहाँ पर हुई है। इसके अतिरिक्त तो भारतीय सभी सुरक्षित हैं, ऐसी सूचना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे हिमाचल के जो बच्चे वहां पर पढ़ाई के लिए गए हैं वो सुकुशल होंगे और सुकुशल होकर के उनको वापस घर पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का, हम दोनों आपस में कंप्लीट एक कोऑर्डिनेशन के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से मामला उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के साथ लगते जौनसार क्षेत्र को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा प्रदान करवाने के लिए एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त एवं विशेष बजट का प्रावधान सुनिश्चित होगा बल्कि क्षेत्र के लोगों की एक लंबे समय से लंबित पड़ी मांग भी पूरी होगी। इसके उपरांत विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हाटी समुदाय की एक बहुत लंबे समय से मांग है कि उनको ट्राइबल का दर्जा मिले और हमारी सरकार ने पहले भी प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं। मैं पहले भी गृहमंत्री जी से मिला हूँ, मैंने गृहमंत्री जी को लिखा भी है पहले, और अभी हाल ही में इस सारे विषय को और भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में हाटी समुदाय की एक जो है वो एक जनरल एक मीटिंग हुई थी, कुंभली जिसको बोलते हैं, महाकुंभली,
वो उन्हें आयोजित की थी, उसके मुताबिक उन लोगों ने अपने इश्यूज़ को लेकर के वहाँ पर अपनी बात की है। आज मुझसे मिलने आए थे तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो रिपोर्ट उन हमको जो है RGI को भेजनी थी तो वो हमने पॉजिटिव बना करके भेजी है, और ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्रालय के साथ और गृह मंत्री जी से के साथ बात करने की कि हम इस कम्युनिटी को इस एरिया के जो जिसमें हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र मुख्य तौर से सिरमौर जिले के आते हैं तो उनको इस दर्जे को देने में सफल हो, हमें भी इस बात की खुशी होगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट में राज्य की 100% ऊर्जा आवश्यकता को अक्षय और हरित ऊर्जा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करने की घोषणा की है। राज्य सरकार अगर इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होती है तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित राज्य बन जाएगा। हिमाचल में हर साल लगभग 12,000 मिलियन यूनिट बिजली की खपत होती है, इसमें से केवल 2,000 मिलियन यूनिट ताप ऊर्जा यानी थर्मल पावर और शेष हरित अथवा अक्षय ऊर्जा है। राज्य को 2 कारणों से थर्मल पावर का उपयोग करना पड़ता है। पहला यह कि प्रदेश ने काफी पहले ताप विद्युत केंद्रों के साथ विद्युत खरीद समझौता किया है। इन ताप विद्युत केंद्रों के अंतर्गत प्रदेश के दायित्व वर्ष 2034 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इन दायित्वों में निर्धारित लागत और वास्तविक खपत शुल्क दोनों का भुगतान शामिल है। दूसरा कारण यह है कि राज्य 2400 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए थर्मल पावर का उपयोग करता है क्योंकि इसकी लागत अक्षय ऊर्जा से कम है। हरित राज्य बनने के लिए हिमाचल प्रदेश को इन दायित्वों और आवश्यकता से बाहर निकलना होगा। यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और इसी की वर्तमान बजट में आकांक्षा की गई है। हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ बड़ा व बेहतर करने की है। यह पूर्ण हरित राज्य के रूप में परिवर्तित होने की इबारत लिखने का प्रयास कर रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश को अपने ताप ऊर्जा दायित्व की आर्थिक सुरक्षा या उन्हें खरीदे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मोलभाव करना होगा, जिसमें संभवतः G7 देश भी हो सकते हैं, क्योंकि तभी उचित एवं न्यायसंगत मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ साथ यह जलवायु वित्त का एक हिस्सा भी होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर पहले ही इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उठा चुके हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राम सुबग सिंह ने विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर एवं उपाध्यक्ष तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष व इसके सदस्यों के साथ चर्चा की है। यह एक महत्वाकांक्षी परिकल्पना है। यह न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ने बल्कि हिमाचल प्रदेश में निर्मित प्रत्येक उत्पाद को हरित रूप में प्रमाणित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण व साहसिक कदम है। इससे प्रदेश में निर्मित होने वाले उत्पादों का व्यापक स्तर पर मूल्यवर्धन होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 754 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 190 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 560 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 44,89,554 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 42,05,360 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 283,613 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 279,009 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 482 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।